हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है, ये पेपर है आपका हिमाचल प्रदेश का एचपी टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर एलटी ग्रेड के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया है। और इस पेपर के अंदर जो ये लास्ट सेक्शन है सेक्शन 2, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 121 to 150। ये आपके क्वेश्चंस जो हैं आपके ये वाले जनरल अवेयरनेस और इन्वायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, व्हेन वाज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश्ड। सो इट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1875। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112। What was the name of Harshvardhan capital? Harshvardhan की capital का नाम था कन्नौज, ठीक है। Battle of Plassey लड़ी गई थी 1757 के अंतर्गत। Option number A is the correct answer. Next question है 124। Who built Stupa of Sanchi? ये बनाया था अशोक ने। And इसके बाद अगला question है हमारा question number 125। On which stream is धमवारी सुंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड? बेसिकली इट इज़ ऑफ पब्बर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 126, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड रविंद्रनाथ टैगोर स्पेंड सम मंथ ऑन हिमाचल प्रदेश? दैट इज इन डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। 127 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, बंदर वैली इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? सो 127 में ये आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, चंबा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, जानकी इज अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? सो इट इज़ द फोक डांस ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, इन विच ईयर धामी फायरिंग ट्रेजिडी टुक प्लेस? तो ये आपका देखने को मिलती है 1939 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सो इट इज़ सेलिब्रेटेड इन लाहौल स्पीति। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 131 की बात करें तो, व्हेन वाज टूरिज्म कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? सो इट इज़ इस्टेब्लिश्ड इन 1972। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, संगला वैली इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? सो इट इज़ नोन एज अ बेसिकली दैट इज़ बसपा वैली। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133, गौरी देवी का टिब्बा पीक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? इट इज़ लोकेटेड इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट। 133 का ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 134, सो द फेमस गोट ब्रीड सेंटर ताल इज सिचुएटेड इन? सो ताल जो है आपका यह है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135, इन विच ईयर वॉज भाखड़ा डैम वॉज बिल्ट? भाखड़ा डैम आपका बनता है 1963 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबेरा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्मीना वुल इज ऑप्टेन्ड फ्रॉम गोट? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, सो विच स्टेट इज़ नोन फॉर इट्स फेमस बैक वाटर? सो दैट इज़ फॉर द केरल। केरल इज़ नोन फॉर इट्स बैक वाटर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139, नोबल प्राइज़ की जो स्टार्टिंग है वो होती है 1901 से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। एंड कौन सा शहर जो है ओलंपिक 2024 समर ओलंपिक को होस्ट करेगा, वो है पेरिस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करें, वाइडल टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, हु इज़ द करेंट चांसलर ऑफ जर्मनी? ओलाफ शॉल्ट्ज़। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट गवर्नर ऑफ द हिमाचल प्रदेश? दैट इज़ शिव प्रताप शुक्ला। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। पर्वती मंगल इज रिटन बाय तुलसी गोस्वामी दास। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करें तो, व्हेन डिड फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड? दैट इज 23rd ऑफ दिसंबर। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है 147 नंबर क्वेश्चन, हु रोट द फेमस स्टोरी उसने कहा था, ये लिखी है चंद्र शर्मा गुलेरिया ने, ऑप्शन नंबर, एक मिनट, चंद्र शर्मा गुलेरिया 147, नहीं चंद्र शर्मा गुलेरिया नहीं, एक मिनट, इसका आंसर होगा आपका प्रत्यूष गुलेरिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 148 की बात करते हैं, तो पनामा कैनाल कनेक्ट्स टू ओशंस दैट इज पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशंस, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 149 नंबर क्वेश्चन, डेमोक्रेसी इन इंडिया रेस्ट ऑन द फैक्ट दैट पीपल्स हैव टू राइट टू चूज एंड चेंज द गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फिल्म वॉन्स द ऑस्कर फॉर द 2024, तो ये फिल्म थी ओपेनहाइमर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये पेपर था आपका हिमाचल प्रदेश का एचपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द एलटी ग्रेड, ये भी एग्ज़ाम आपका 23rd ऑफ जून को कंडक्ट किया गया है, जिसके अपने जीएस और एनवायरमेंटल के जो क्वेश्चंस था, जो सेकंड पार्ट था इसका, उसके आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस किया है। इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।